लोग रोज मिलने वाले हैं, अगर माफ नहीं करती तो साथ रहना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल सही कहा। नहीं 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 नहीं, रोज तो नहीं, हम यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आए हैं। ऐसा समझो कि हम छुट्टियाँ मनाने आए हैं। वैसे बाली, हवाई, कानकुन जैसी जगहों पर भी जा सकते थे, पर ये भी बुरा नहीं है। ये ऐसी अनोखी जगह है जहाँ हमारी फैमिली में से पहले कभी कोई नहीं आया। अनोखी जगह? अनोखे है ना हम लोग, कानकुन के मुकाबले ये जगह काफी अलग है ना, यहाँ तो बीच भी नहीं है। थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, लेकिन ये भी लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, वरना ऐसी जगह आने का तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे एक्सपीरियंस के लिए पैसे क्यों खर्च करें? वैसे भी पैसा है कहाँ आपके पास? क्या? मेरा मतलब फिलहाल कुछ नहीं है ना, बैंक ने आपका पैसा फ्रीज किया है ना? अरे आज फ्रीज किया हुआ है, लेकिन कल तो रिलीज हो ही जाएगा। पर कब, ये किसी को नहीं पता ना, इनके रहते वापस मिलेगा या इनके नाती पोतियों को मिलेगा। मेरी फैमिली की 50,000 प्योंग जमीन को फंसे 50 साल हो गए, किसी को कुछ नहीं मिला। वही तो। चलो चलो, तुम लोगों ने जो कुछ भी कहना था वो कह दिया है, तो अब यहाँ रुके क्यों हो, जाओ। वैसे मैंने कभी यहाँ आए किसी इंसान को नहीं देखा जिसने कहा कि जल्दी चले जाएंगे और वो सच में यहाँ से गया। एक मिनट, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम काफी लंबे वक्त तक मिलने वाले हैं, जिसकी मुझे खुशी है। चलो उठो, अब चलते हैं। चलो, हाँ, चलते हैं। चलो उठो ना, सुनाई नहीं दे रहा है। मिलते रहेंगे, हम फिर मिलते हैं। इसकी इतनी हिम्मत, मेरा सर फट रहा है। कॉफी, कॉफी। मेरा ऑर्डर लो। आपको ऑर्डर यहाँ आके करना होगा। एस्प्रेसो विथ टू शॉट्स। आके हुए 32।